और भारी बारिश के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिस कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको मुजफ्फरपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, जहां स्कूल में पानी घुस गया है। देखिए कैसे बच्चे पानी के बीच से स्कूल में जाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बिहार का जो भविष्य है वो क्या कुछ बयां करता है। दरअसल भारी बारिश के कारण बिहार की कई स्कूलें हैं जिसमें प्रशासन का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। और मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालात कैसे हैं आप यह दूसरी तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। आप यह तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह यह बरसात लोगों के लिए परेशानी लेकर आई है। मोटरसाइकिल सवार पानी को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी इतना है कि मोटरसाइकिल डूबती हुई नजर आ रही है और इस दौरान इस इंसान को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, आने जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल पानी भर जाने के कारण कई इलाके हैं जहां आवागमन ठप हो गया है, चाहे स्कूल हो या फिर सड़क हो, हर जगह सिर परेशानी नज़र आ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है और ऐसे में कहीं बाइक डूब रही है तो कहीं लोगों के घर। और आपको हम तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि इलाके में आई बाढ़ का असर रोजमर्रा के कामकाज पर किस तरह से पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घरों में पानी घुस गया है और लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। महिला बाढ़ के पानी के बीच खाना बनाने की जद्दोजहद करती नजर आ रही है और साफ तौर पर यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। बिहार में बढ़ती बारिश ने लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर भी साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग परेशानी में डूब गए हैं। जिस तरह से इलाके में पानी भर गया है और बाढ़ की पानी घर में घुसने के बाद लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है।